7.2.2 पाचन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मुंह में भोजन को चबाने व लार के प्रभाव से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। लार का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। हमारे मुंह में कई लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 जोड़ी प्रमुख हैं। भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पर लार की क्रिया होती है। चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 1। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें 1/2 चम्मच चाय वाला गेहूं का आटा, 1 बीकर पानी, 2 परख नलियां, ड्रॉपर और आयोडीन के तनु घोल 1% की जरूरत होगी। इस परीक्षण के लिए आटे के स्थान पर आप उबले हुए चावल से निकाला गया पानी अर्थात पसिया या माड़ का उपयोग भी कर सकते हैं। 1 चम्मच आटे को 1/2 बीकर पानी में घोलें और इसकी थोड़ी सी मात्रा में स्टार्च का परीक्षण करें। आप जानते हैं कि किसी भोज्य पदार्थ में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालकर परीक्षण किया जाए और घोल नीला काला हो जाए तो स्टार्च उपस्थित है। अब 2 साफ परख नलियां लेकर उन्हें क और ख नामांकित करें। प्रत्येक परख नली में आटे के घोल की 20 से 25 बूंदें डालें। अब क परख नली को मुंह के पास लाकर उसमें घोल के बराबर माप की लार थूक डालें। लार डालकर क परख नली को अच्छी तरह हिलाएं। ख परख नली में लार नहीं डालना है। अब दोनों परख नलियों को रख दें और 2 घंटे के बाद दोनों परख नलियों में आयोडीन की 2-2 बूंदें डालकर अवलोकन करें। क और ख परख नली में से किस परख नली का घोल स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है? ऐसा क्यों हुआ होगा? चलिए यह भी पता लगाएं कि किस प्रकार के माध्यम अर्थात अम्लीय, क्षारीय या उदासीन में लार का प्रभाव दिखता है।